सिर्फ झारखंड में आंदोलन हुआ है। 88 साल यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया है, हमने 4 पीढ़ी हमारी कुर्बानी दी, तब हमें झारखंड मिला है। भवानी माता जैसे आंदोलनकारियों के कारण ही हमें ये प्रेरणा मिली है, जिस आंदोलन का आज हमने खड़ा किया है, आज एक टीम के माध्यम से छात्रों ने खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं उन आंदोलनकारियों का योगदान है। उन्होंने हमें जो रास्ता दिखा कर गए हैं, जिस पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं, और इनका सपना और सच्ची श्रद्धांजलि, निश्चय ही आज हमने उन्हें श्रद्धांजलि दिया भी, लेकिन हम कह सकते हैं कि उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि उसी दिन दी जाएगी जिस दिन वास्तव में झारखंड के लोगों को एक राज्य नहीं अपितु यहाँ उनका राज हो, यहाँ उन्हें हक अधिकार मिले। तो उसी क्रम में आज हम लोग लड़ाई को भी लड़ रहे हैं, और हमारी लड़ाई बिल्कुल संवैधानिक है, क्योंकि आज अगर एक बहुत बड़ी आबादी अगर बंगाल शिफ्ट कर जाती है तो उसे बंगाली नहीं गिना जाएगा, या फिर एक बहुत बड़ी आबादी अगर बिहार शिफ्ट कर जाती है तो उसे बिहारी नहीं गिना जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य है झारखंड का कि यहाँ कुछ लोग बसों से भरकर आते हैं, ट्रेनों से भरकर आते हैं, झारखंडी गिने जाते हैं। तो इसी क्रम में ये लड़ाई हमारी संवैधानिक है, विधि संगत है, न्याय संगत है, और ये लड़ाई जब परिपूर्ण होगी, विशेषकर जब खतियान आधारित नीतियां बनेंगी, हमारी भाषा परंपरा को यहाँ संरक्षित किया जाएगा, यहाँ के लोगों को नियोजन में अवसर मिलेगा, उसी दिन भवानी महतो जैसे तमाम आंदोलनकारी वीरों का सपना साकार होगा, और उसी लक्ष्य को लेकर हम लोग भी प्रशस्त हैं और अपने मार्ग को जो तैयार किए हैं उसी लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। और निश्चय ही देर होगा, क्योंकि झारखंड राज्य तो हमें एक दिन में मिला नहीं है, 88 साल का संघर्ष, लगभग 88,000 शहादत के बाद हमने गर्दनों को काटकर अपने रक्त से एक धारा से झारखंड को सींचा है, तो निश्चय ही समय लगेगा, लेकिन एक दिन बदलाव आएगा, और उस बदलाव का श्रेय उन आंदोलनकारियों को जाएगा जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति, अपना समर्पण, अपना समय, बलिदान कुर्बानियों के बाद झारखंड बनाया था। अब हमारा मकसद है जो झारखंड हमें मिला है उसमें झारखंडियों का अधिकार कैसे मिले, झारखंड के लोगों को नियोजन में अवसर कैसे मिले, झारखंड की भाषा परंपरा लोक संस्कृति का संरक्षण कैसे हो, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। विशेषकर आज आवश्यकता है, झारखंड आंदोलन में झारखंड आंदोलनकारियों को बहुत बड़ा, लेकिन आज की वर्तमान सरकार में अभी तक झारखंड में आंदोलन जो किए, जितने भी आंदोलन, उनको सम्मान नहीं मिल पाया। देखिए निश्चय ही झारखंड बना ही, क्योंकि आप अगर भारत देश की बात करें तो ऐसा नहीं, भारत जब स्टार्टिंग हुआ था उस समय बहुत कम राज्य थे, आज लगभग 28 राज्य हैं, यानी राज्य तो बने हैं। महाराष्ट्र से कटकर गुजरात बना है, पंजाब से कटकर हरियाणा बना है, तमिलनाडु से कटकर तेलंगाना बना है, आंध्र प्रदेश बना है, आपका उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड बना है, लेकिन कहीं आंदोलन नहीं हुआ, कहीं आंदोलन नहीं हुआ है। आप इतिहास को उठाकर देखिए, कहीं आंदोलन नहीं हुआ है, सिर्फ झारखंड में आंदोलन हुआ है। 88 साल यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया है। बाकी अगर आप बात करें तो उन्होंने अधिकार मांगा, उन्होंने बोला कि ठीक अधिकार ले लो, लेकिन हमने 88 साल संघर्ष किया है, हमने 4 पीढ़ी हमारी कुर्बानी दी, तब हमें झारखंड मिला है। तो निश्चय ही आंदोलनकारियों का एक योगदान इस झारखंड को बनाने में, और आज सरकार कहीं ना कहीं उदास है। आंदोलनकारी कभी भी पेंशन को लेकर आंदोलन नहीं किए थे, अपना प्राणों का आहुति, अपना घर परिवार उन्होंने पेंशन के, उनकी मनसा थी, उनका उद्देश्य था, उनका सपना था एक झारखंड हो जहाँ यहाँ के लोगों को अधिकार मिले। और निश्चय ही सरकार इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं, सरकार को काम करना चाहिए था कि यहाँ के छात्रों के हित में नियोजन नीति कैसे बने, यहाँ के जो लोग हैं किसान कामगार हैं उनकी जमीनें छीनी जा रही उसको लेकर स्थानीय नीति कैसे बने, अनुसूचित 5 को कैसे यहाँ धरातल पर उतारा जाए, इन चीजों पर सरकार को बात करनी चाहिए। पेशा कानून किस प्रकार यहाँ लागू हो, वन संरक्षण अधिनियम यहाँ कैसे काम करे, इस पर सरकार को बात करना चाहिए था, लेकिन सरकार यहाँ बात कर रही है BMW की। चलिए वहां तक ठीक था, सरकार है, मंत्री है, BMW में घोरना कोई बुरी बात नहीं है, BMW के बाद वो आती है फॉर्चुनर पर, अब सुने ऑडी पे आ गई है। तो ये आंकड़े और उनका विजन स्पष्ट बताता है कि उनके पास कोई लक्ष्य नहीं।